हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं नारियल की बर्फ़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश कोकोनट। यहाँ पर मैंने पानी वाला नारियल लिया है। आपको क्लीन नारियल चाहिए होगा, इसलिए आप इसे रात भर फ्रिज में रखें और सुबह उठकर इसे तोड़ लें। तोड़ने के बाद जो ब्लैक वाला हिस्सा है उसे पीलर की सहायता से बाहर निकाल दें और फिर इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हमें एकदम फाइन ग्राइंड करना है इसे, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। पानी वाला नारियल ही लें क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मध्यम आंच में भून लेंगे ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाए। तो इसे कंटिन्यूस चलाते रहें ताकि ये नीचे से बर्न ना हो। और ये देखिए, अब ये ड्राई होने लगा है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1.5 कप दूध इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। दूध यूज़ करने से हल्का मावा जैसा टेस्ट आता है, जिससे बर्फ़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 कप मिल्क यूज़ करेंगे तो भी टेस्ट अच्छा आएगा। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी का रेशियो कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए 3 कप नारियल के लिए आप 1.5 कप दूध यूज़ करें और 1 कप चीनी यूज़ करें। चीनी ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा पतला होगा, तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही ऐसे पकने दें। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। धीरे धीरे ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं अब ये ड्राई होने लगा है। तो इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने केक टिन ली है और उसके ऊपर बटर पेपर लगाया हुआ है। ये सारा मिक्सचर हम उसमें डाल देंगे और इसे स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से हम इसे पूरा फ्लैट कर देंगे। इसके बाद हमें इसे ठंडा करना है। तो पहले 1 घंटे आप इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा करें और फिर 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में पलट लेती हूँ। इसका बटर पेपर निकाल देंगे और अब हम इसे इसके शेप में कट कर लेंगे। तो बर्फ़ी का शेप आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर सकते हैं। नारियल की बर्फी बनकर तैयार है। इसे अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करें और सर्व करें। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इफ़ यू लाइक द रेसिपी, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।